नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर नगर पालिका निगम का बजट मैराथन बैठक के बाद भी आधिकारिक तौर पर निगम प्रशासन पवन शर्मा नहीं कर पाए बजट पेश। कई मदों पर चर्चा शेष। बैठक के बाहर निकलकर बोले संभाग आयुक्त पवन शर्मा, बजट पर अब मंगलवार को लगेगी अंतिम मोहर। ये तो चर्चा के बाद ही एक बार तय कर पाएंगे। सभी ऑफिसर्स के साथ चर्चा हुई है। जो बजटेड अमाउंट है लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का बजट है जो प्रस्तुत किया गया है, उसको चर्चा करेंगे और फिर कल। बजट प्रस्तुत किया गया है, सबने सभी जो मत हैं उन पर चर्चाएं की हैं, ताकि आने वाले समय में जो हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में देखा, आने वाले समय में कौन सी और ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इसमें शामिल किया जा सकता है, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। कुछ सुझाव उसमें आए हैं, कुछ निर्देश आए हैं जिनको हम लोग कल और कंटिन्यू से करेंगे। तो सभी कंप्लीट करने के बाद कल बेसिकली ये क्लियर होगा कि किस हेड में हम लोग कितना क्या व्यवस्थाएं रख रहे हैं। आज कह रहा मैडम, आज फोकस कर रहा हूँ। चर्चा बजट की सभी विषयों पर हुई है, क्योंकि सामान्य जो प्रक्रिया होती है बजट की वो भी यही होता है कि पहले बजट MIC को प्रस्तुत होता है, उसमें विषय चर्चा होती है, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न प्रोजेक्ट्स में, फिर हाउस में जाता है। तो इसी प्रकार से एक चर्चा एक राउंड हो चुकी है। कल कुछ और चीज़ें इंकॉर्पोरेट करके और कुछ विषयों पर चर्चा, बाकी जो कम्प्लीट होगा बजट का जो भी कले पर आएगा वो फिर समक्ष में रखा जाएगा। बजट की राशि बढ़ने की उम्मीद है, 5,162 करोड़ तो राशि बढ़ेगी। जो टोटल राशि 5,162 करोड़ की वो लगभग उपयुक्त है, लेकिन कुछ मदों में अप्रोप्रिएशन मदों का होना, कुछ प्रोजेक्ट्स विद इन द बजट ही होंगे जो भी निर्देश हैं या जो भी और सुझाव उसमें आए हुए हैं, तो अमाउंट विल रिमेन द सेम। इंदौर से साजिद निजामी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।